हेलो एंड वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। आइए जानते हैं टॉर्पेडो के अंदर क्या क्या होता है, इसमें तार का इस्तेमाल क्यों होता है, टारगेट को कैसे डिटेक्ट करता है। शॉर्ट में कहूँ तो पूरी गाथा। तो चलो खोलते हैं इसके अंजड़ पंजड़। टॉर्पेडो को चलने की ऊर्जा दो तरीकों से मिलती है, पहला थर्मल और दूसरा इलेक्ट्रिक। बात करते हैं थर्मल की। एक टॉर्पेडो के अंदर 4-स्ट्रोक इंजन को फिट किया जाता है। कैसा इंजन? जैसा हमारी बाइक और कार में होता है, बस इसका साइज थोड़ा छोटा होता है और ये बिना ऑक्सीजन के काम करता है। बिना ऑक्सीजन के, वो कैसे? इसके फ्यूल के साथ साथ एक छोटा सा ऑक्सीजन सिलेंडर अलग से फिट किया जाता है। अब मैं इंजन के बारे में और बताकर आपको बोर नहीं करने वाला, क्योंकि ऑलरेडी हमारे चैनल पे इससे जुड़ी हुई बहुत सारी वीडियो हैं। बात करते हैं इलेक्ट्रिकल टॉर्पिडो की, जिसमें बैटरी का इस्तेमाल करके टॉर्पिडो को पानी के अंदर मूव करने लायक पावर दी जाती है। मोटा माटी कहूं तो टॉर्पिडो की पूंछ पे लगे हुए प्रोपेलर को या तो बैटरी चलाएगी या फिर उसमें लगा हुआ इंजन। लेकिन बड़ा सवाल ये है, फायदा किसमें है, बैटरी में या इंजन में? इंजन वाले टॉर्पिडो की रेंज ज्यादा होती है और उसकी स्पीड भी ज्यादा है। एक टॉर्पेडो फायर और फॉरगेट मैकेनिज्म पे काम करता है, मतलब फायर करो और भूल जाओ, लग गया तो ठीक, नहीं लगा तो बैठ जाएगा पानी में। मान लेते हैं आपका कोई विचार नहीं है अपने टॉर्पेडो को वेस्ट करने का, तो टॉर्पेडो से एक तार जोड़कर आप उसे गाइड भी कर सकते हैं। ऐसे कितना लंबा होगा ये तार? लगभग 26 किलोमीटर। और ये जानकारी आपको सीधा मैं DRDO की ऑफिशियल वेबसाइट से दे रहा हूं। अब सवाल ये आता है कि एक टॉर्पेडो अपने टारगेट को पानी के अंदर कैसे ढूंढता है। इस काम के लिए दो तरह के टॉर्पेडो इस्तेमाल किए जाते हैं। एक वो जो पानी में चलते हुए किसी जहाज या सबमरीन की आवाज को सुनकर उसका पीछा करते हैं। और ये आवाज कहाँ से आ रही होगी? ये आ रही होगी उस सबमरीन या जहाज के प्रोपेलर या इंजन रूम से। इसी आवाज को कम करने के लिए सबमरीन के चारों तरफ मोटी रबर की परत लगाई जाती है। एक टॉर्पेडो और सबमरीन में चूहे बिल्ली का खेल चलता है। अगर सबमरीन पकड़ी गई तो समझो गई, मतलब बिल्कुल गई, डूब गई, और अगर बच गई तो टॉर्पेडो गया। यहाँ पर एक और जरूरी बात, अगर सबमरीन पानी के अंदर बहुत धीरे चल रही है या बहुत गहराई पर चल रही है तो उनके इंजन से आने वाली ध्वनि बहुत ही धीमी होगी, जिसे टॉर्पिडो शायद डिटेक्ट ना कर पाए। अब बात करते हैं दूसरे तरह के टॉर्पिडो की। ये टॉर्पिडो अपने कानों के बजाय मुंह का इस्तेमाल करता है, मतलब ये पानी के अंदर अल्ट्रासोनिक पिंग छोड़कर टकरा के वापस आने पर चीजों का पता लगाता है। यही आने जाने वाली ध्वनि टॉर्पिडो को टारगेट की तरफ खींच लेती है। लेकिन इसके शुरुआती डिजाइन में एक समस्या थी, पानी के अंदर बहुत सारे जीव भी होते हैं जिनसे ध्वनि टकरा के वापस आने पर टॉर्पिडो मिसगाइड हो जाता था। इस चीज से बचाने के लिए TVG टेक्निक का इस्तेमाल किया गया। TVG का मतलब है टाइम वेरिएशन गेन। इस टेक्नोलॉजी की मदद से टॉर्पिडो अपने आसपास की बकैती पर बिना ध्यान दिए आगे बढ़ जाता है। पर मान लेते हैं टॉर्पिडो का टारगेट उसके पास था लेकिन अब गायब हो गया, तो क्या होगा? उस स्थिति में टॉर्पिडो गोल गोल चक्कर लगा के उसी जगह पर घूमता रहेगा, और अगर उसे अपना टारगेट मिल गया तो जाके उसे टकरा जाएगा, और अगर नहीं मिला तो बैटरी या उसके अंदर ईंधन खत्म होने पर वो समुद्र तल में निष्क्रिय होकर बैठ जाएगा। एक सबमरीन जितनी ज्यादा गहराई पर होगी उतना ही टॉर्पिडो के लिए उसे ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। पर मान लेते हैं कि आपको अपनी सबमरीन को दुश्मन के टॉर्पिडो से बचाना है, तो किसी भी सूरत में बिना लड़े सबमरीन को बचाया नहीं जा सकता। अब हाथों से तो लड़ेंगे नहीं, तो चलिए अब बताता हूं कि लड़ाई होगी किस किस के बीच में और कैसे। सबमरीन की तरफ आते हुए टॉर्पिडो को एक डिकॉय की मदद से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अब ये बहरूपिया होगा क्या? ये एक एंटी टॉर्पिडो मैकेनिज्म होगा जो कि सबमरीन के द्वारा अपने आप को बचाने के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। ये पानी के अंदर सबमरीन के इंजन की तरह साउंड प्रोड्यूस करेगा और टॉर्पिडो को अपनी तरफ बुला लेगा, और जैसे ही टॉर्पिडो इसके पास पहुंचेगा ये तुरंत फट जाएगा। दूसरा तरीका है टॉर्पिडो को मारने के लिए आप एक और टॉर्पिडो लॉन्च करें जो कि अपनी तरफ बढ़ते हुए टॉर्पिडो से टकरा कर उसे खत्म कर देगा। क्या एक टॉर्पिडो न्यूक्लियर वेपन ले जा सकता है? हाँ बिल्कुल ले जा सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और रशिया दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन ले जाने वाले टॉर्पिडो पहले से ही मौजूद हैं। एक टॉर्पिडो और एक मिसाइल में क्या अंतर है? देखिए मिसाइल एक प्रोजेक्टाइल है जिसको पावर एक रॉकेट इंजन देता है। इसे आप कंट्रोल भी कर सकते हैं, गाइड भी कर सकते हैं। और टॉर्पिडो के बारे में तो मैं आपको सब कुछ बता ही चुका हूं। अब बात करते हैं भारत के पोसाइडन 8 विमान की, कि वो सबमरीन को कैसे ढूंढता है। देखिए अक्सर सबमरीन अपने पीछे गर्म पानी की वेव छोड़ जाती है जिसको पोसाइडन 8 बड़ी आसानी से डिटेक्ट कर लेता है, और अगर एक बार इसको पता लग गया कि यहां से सबमरीन गुजरी है तो समझो उसका काम तमाम, और ये अच्छी खासी हाई एनर्जी वेव जनरेट करके भी उसका पता लगा सकते हैं। सबमरीन को ढूंढने का ये इसके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला दूसरा तरीका है। बात करते हैं तीसरे तरीके की। ये सोनो बायस का भी इस्तेमाल करता है। ये कुछ कुछ सिलेंडर की शेप के होते हैं जो कि पानी में जाके आराम से बैठ जाते हैं, और इनका काम होता है अपने आस पास से आने जाने वाले साउंड को पकड़ना। ये समुद्र के अंदर साउंड की हो रही हलचल को ऊपर प्लेन तक पहुँचा देते हैं। और तीसरा तरीका है मैड टेक्निक
तकनीक का इस्तेमाल करना, मैग्नेटिक अनोमली डिटेक्टर, क्योंकि सबमरीन की बॉडी लोहे की बनी हुई है तो वो पानी के अंदर अर्थ के नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड को काफी हद तक डिस्टर्ब करती है। इस डिस्टर्बेंस का पता लगाकर पोसाइडन 8 उस पर हमला कर सकता है। सबमरीन टॉर्पिडो और पोसाइडन 8 के बारे में बस आज इतना ही, मेरा काम खत्म, अब आपकी बारी। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।